प्रस्तुत वीडियो बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले विषय समावेशी शिक्षा के मूल तत्व से संबंधित हैं। इस वीडियो में निम्नलिखित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहा जाता है, का आशय विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों, जिसके अंतर्गत विकलांग, मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित विद्यार्थी शामिल हैं, को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाना है, ताकि सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन पाठन के कार्य को कर सकें। स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, ऐसे बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समाज के अनुसार मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की बात करता है, जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से बाधित हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखना तथा अंतःक्रिया करना भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय और लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। एक समावेशी समाज की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास विद्यालय स्तर से करना होगा, क्योंकि विद्यालय भी समाज का एक लघु रूप होता है, जहां विद्यार्थियों में पृष्ठभूमि, जाति, वर्ग, लिंग, शारीरिक व मानसिक दशा आदि के आधार पर अंतर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें विद्यार्थी चाहे वह सामान्य हो अथवा विशिष्ट, उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि विद्यालय में एक लोकतांत्रिक वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण होने के निम्नलिखित कारण हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण है कि समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान कर उनके बौद्धिक विकास में सहायक होती है। उसके बाद आगे तीसरा कारण, सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए यह शिक्षा कम खर्चीली होती है। चौथा बिंदु है, यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही इसका पांचवा कारण है, समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक विकास होने के साथ साथ उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है।
समावेशी शिक्षा प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करते हैं। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अक्षम बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, परंतु उन्हें एक साथ शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। शिक्षाविद भी समावेशी शिक्षा के पक्षधर हैं तथा इसके आवश्यक होने के निम्नलिखित कारण बताते हैं। उसमें से पहला कारण है प्रगति के अवसर। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरा कारण है सामाजिक तथा शैक्षिक एकीकरण। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। विशिष्ट बालक जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा समय व्यतीत करते हैं, तो एकीकरण के कारण उनमें सामाजिकता, नैतिकता, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही उनमें सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है जो व्यक्तिगत प्रगति के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला कारण है कम खर्चीली। समावेशी शिक्षा किफायती है क्योंकि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे लाभ यह होता है कि विशिष्ट अध्यापकों एवं शिक्षाविदों को प्रशिक्षण देने तथा विशिष्ट शिक्षण संस्थान के निर्माण में लगने वाली धनराशि की बचत हो जाती है। इसका चौथा कारण है समानता, भाईचारा एवं एकता की भावना का विकास। समावेशी शिक्षा में सामान्य व विशिष्ट बालक एक साथ रहते हैं जिससे एक प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है और उनमें सहयोग, एकता, भाईचारा तथा समानता की भावना का विकास होता है। अब हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: शारीरिक रूप से विकृत बालकों का पुनर्वास कराया जाना। दूसरा उद्देश्य है शारीरिक दोष की दशा को बढ़ने से पहले रोकथाम के उपाय करना। तीसरा उद्देश्य है बालकों के सीखने की समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। चौथा उद्देश्य है शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। समावेशी शिक्षा का पांचवा उद्देश्य है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना। और इसका छठा कारण है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। यदि हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपकी सहायता कर पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।